फिनलैंड में बीएसपी प्रदेश अध्यक्ष की हत्या के मामले में पुलिस ने 8 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। पुलिस से साफ हो जाए कि अभी वारदात की जांच जारी है, लेकिन अब तक वारदात के पीछे कोई पॉलिटिकल एंगल सामने नहीं आया। पुलिस ने अब तक वारदात का सीसीटीवी फुटेज, आरोपियों की मोबाइल लोकेशन और प्रत्यक्षदर्शियों का बयान भी दर्ज कर लिया। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में शुक्रवार को बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की बेरहमी से हत्या कर दी, जिसके बाद से जनता में भारी आक्रोश। लोग सड़कों पर उतर आए और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हत्या को लेकर सियासत जारी है। कल बीएसपी सुप्रीमो मायावती पीड़ित परिवार से मुलाकात करेंगे, तो वहीं बीजेपी राज्य सरकार पर हमलावर है। बीएसपी नेता का कातिल कौन? सीसीटीवी से मिलेगा पुलिस को सुराग। सड़क पर लोगों की भीड़ और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी। तस्वीरें तमिलनाडु के पेरम्बूर की हैं, जहां लोग बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष आर्मस्ट्रांग की हत्या का विरोध कर रहे हैं। दरअसल कल शाम 7 बजे बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष आर्मस्ट्रांग की हत्या कर दी गई, जिसके बाद से ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है। आर्मस्ट्रांग की हत्या का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। हत्या के इस सीसीटीवी वीडियो को देखिए। वीडियो में आप कुछ लोगों को भागते हुए देख रहे होंगे। ठीक इसी वक्त इस जगह पर आर्मस्ट्रांग पर हमलावर हमला कर रहे थे, जिसे देखकर वहां खड़े लोग दहशत में आ गए और वहां से भाग निकले, और बेखौफ हमलावर लोगों की भीड़ के बीच बिना डरे चाकुओं से आर्मस्ट्रांग पर हमला करते रहे। सीसीटीवी वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे कंधे पर बैग लिए ये युवक हमले को देखकर वहां से भाग रहा है। महज कुछ सेकंड में बाइक से आए हमलावर आर्मस्ट्रांग पर हमला करते हैं, फिर वहां से फरार हो जाते हैं, लेकिन भागते वक्त 6 हमलावर सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो जाते हैं। हमलावरों को सीसीटीवी में आप साफ देखा जा सकता है कि कैसे वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावर बाइक से भागते हैं। तस्वीरों में आप दो बाइक देख रहे हैं, जिसमें एक बाइक पर दो हमलावर सवार हैं और एक हमलावर दूसरी बाइक को चला रहा है, और इसी बीच चौथा हमलावर भागते हुए वहां आता है। जल्दीबाजी में अपनी बाइक पर बैठना चाहता है, लेकिन बाइक पर जगह न होने की वजह से दूसरी बाइक पर बैठता है और भाग जाता है। चारों हमलावरों के भाग जाने के तुरंत बाद एक और बाइक पर बैठे दो हमलावर वहां से भाग रहे हैं। आर्मस्ट्रांग को घायल अवस्था में एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। आर्मस्ट्रांग की हत्या के बाद पुलिस ने इस मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया है और जांच के लिए स्पेशल टीमें गठित की हैं। प्रोब ऑल द वेरियस एंगल्स वेयर देयर सीम्स टू बी सम इनपुट्स। ऑल द अदर एक्यूज्ड हु आर पार्ट ऑफ दिस क्राइम एंड हु आर इन्वॉल्वड इन दिस विल बी ब्रॉट टू बुक्स। आर्मस्ट्रांग की हत्या के बाद से सियासत गर्मा गई है। हत्या के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने ऐलान किया है कि वह रविवार को चेन्नई जाएंगी और मृतक के परिजनों से मुलाकात करेंगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी हत्या पर दुख जताया है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। तो वहीं दूसरी तरफ तमिलनाडु के सीएम स्टालिन भी आर्मस्ट्रांग की हत्या पर शोक जताते हुए हत्यारों पर कड़ा एक्शन लेने की बात कही है। तो वहीं बीजेपी ने इस वारदात के बाद राज्य सरकार पर हमला बोला है। बीजेपी ने आरोप लगाते हुए कहा कि तमिलनाडु में कानून व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर हो गई है। एमके स्टालिन सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं, क्योंकि वह गृह मंत्री भी हैं। लेकिन इन सब के बीच लोग इस हत्या के खिलाफ सड़कों पर हैं और सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, और कल जब मायावती पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचेंगी तो सियासत और भी गर्मा जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, जी न्यूज।